हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका इन्वेस्टर अवेयरनेस कोच रुपेश जेटली। आज हम लोग बात करेंगे SIP स्टेप अप पे। SIP टॉप अप आपने बहुत सुना होगा, लेकिन SIP स्टेप अप क्या होता है? SIP, अगर आप SIP कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड के थ्रू, जिसको हम SIP बोलते हैं। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी SIP एक निश्चित अमाउंट की है जो जा रही है, लेकिन आपके गोल्स, आपकी आगे की चीज़ें बदलती रहती हैं। इसलिए आपके लिए स्टेप अप SIP बहुत ज़रूरी चीज़ है, और उसको समझिए कि कैसे आप अपनी स्टेप अप SIP कर सकते हैं। तो अपनी SIP करते समय ही वहीं पे आप ध्यान रखें कि हर साल के लिए अपनी SIP, जैसे आप टॉप अप करते हैं वैसे ही यहाँ पे स्टेप अप कर लें। मीन्स अगर आपने 1000 की है तो वो अगले साल ऑटोमेटिक 1100 की हो जाए, और उसके बाद अगले साल नेक्स्ट ईयर में वो 1200 की हो जाए। मींस हर साल उसमें 10% की ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाए आपकी SIP में। मींस आपको बार बार नई SIP करने की ज़रूरत नहीं है, उसी पुरानी SIP जो आपने पहली बार की थी उसी में आप स्टेप अप SIP करके आपने अपने अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। बिकॉज आपकी इनकम बढ़ती है, लेकिन आपकी अगर SIP नहीं बढ़ती तो आपके गोल्स जो बदलते हैं समय के अनुसार, वो आपको एक निश्चित रकम नहीं देंगे जब तक आप अपनी SIP पे स्टेप अप या टॉप अप SIP नहीं करेंगे। तो इसलिए स्टेप अप SIP को ध्यान रखें कि अगर आपने 10,000 की SIP करी है तो अगले साल वो 11,000 हो जाए, उसके नेक्स्ट ईयर वो 12,000 हो जाए। ज़रूर उसमें 10%, 15% या 20% की एनुअल इंक्रीज हो, बिकॉज आपका इन्फ्लेशन हर साल 5%, 6%, 7% बढ़ रहा है। तो जिस तरह से महंगाई दर बढ़ रही है, उसी के हिसाब से अपनी SIP को आप स्टेप अप SIP करके अपने गोल्स को पा सकते हैं, अपने निवेश के गोल्स को या आपके जो आगे के गोल्स हैं उनको पा सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें, SIP को आज के गिरे बाजार में बंद ना करें, बढ़ाने की सोचिए, तभी आप एक अच्छे रिटर्न्स म्यूचुअल फंड SIP से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।